हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के पास आया हूं मैं। इसका रीज़न ये है कि मेरा माइक जो है वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने न्यू माइक मंगवाया है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। तो आज का वीडियो अलायंस सर्टिफिकेट के ऊपर होने वाला है। मेरे पास कई लोगों का कमेंट आया हुआ है कि मैं अलायंस सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि अलायंस सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से लोग उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि अलायंस का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जैम कैटलॉग को लाइव करवाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है LIN, ठीक है, डाउनलोड। जैसे इस पे क्लिक करके एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आएगा लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक कर देना है, देन ओके। उसके बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आता है आइडेंटिफायर, मतलब किसके द्वारा आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो आप एयरलाइन नंबर को, ठीक है। उसके बाद कंपनी के नेम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद आइडेंटिफायर पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हो रहे हैं। इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि एयरलाइन जो नंबर होता है ना, वो ज्यादातर EPF या ESIC बनवाते समय एयरलाइन जनरेट ऑटोमेटिक हो जाता है, और जो लोग EPF ESIC रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं वो फिर GST नंबर से या MSME नंबर से इन सबसे अपना नया अलायन जनरेट करवाते हैं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट अलायन नंबर जनरेट होता है ना, वो ESIC या EPF के जरिए ही होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी को भी एक सिलेक्ट कर लेना है। मैंने जैसे EPF को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो भी आपका EPF का कोड होगा वो यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना EPF का कोड डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन नंबर जो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, 2030-2691, और सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत क्या होगा कि आपकी कंपनी का या अलायंस का डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा विद कंपनी नेम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल पी करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप सेव एज PDF पे क्लिक कर देना है, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करके जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हो डेस्कटॉप वगैरह पे सेव कर दो। बस जो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा कैटलॉग में अपने जाना है और ये नंबर डाल के जो भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पे जो डाउनलोड हुआ है उसको अपलोड कर देना है। आपका 5 दिन के अंदर अंदर कैटलॉग अप्रूव हो जाएगा जैम का, ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है अलायंस नंबर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बताएं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ।